जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा था रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और भाषा समस्या निबंध। आज हम पढ़ेंगे विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया तमाल के झरोके से। इस निबंध को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है देखिए ललित निबंध। ललित निबंध क्या होते हैं? ललित निबंध वो होते हैं जो कि रागात्मक और भावात्मक तत्व जिसमें सर्वोपरि होता है। ललित निबंध के अंतर्गत क्या है? भावात्मक और रागात्मक तत्व जो है इसमें सर्वोपरि होता है, क्योंकि विद्या निवास मिश्र के इस निबंध के अंदर लेखक ने क्या है, जो अपनी भावनाएं हैं उनको रागात्मक तत्व तक को लेकर जाता है, अपनी भावनाओं को उसने व्यक्त किया है। इसी कारण यह ललित निबंध जो है इतना श्रेष्ठ हो गया। उसके अंदर उसकी रागात्मक और भावात्मक भावनाएं ही दिखाई देती हैं। यह विद्या निवास का सर्वश्रेष्ठ निबंध भी माना जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है तमाल वृक्ष की उपेक्षा पर आपत्ति। निबंधकार ने इस निबंध के माध्यम से तमाल वृक्ष के जो लोग उपेक्षा करते हैं उसको, उसके प्रति उन्होंने आपत्ति जताई है, क्योंकि ये जो वृक्ष है तमाल का वृक्ष, इसकी लोग बहुत उपेक्षा करते हैं, अर्थात इसको घर के बाहर लगाना भी नहीं चाहते हैं, उनको ये सब पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि जो तमाल का वृक्ष है वो बहुत घना होता है, और इतना घना होता है कि उसमें दिन में भी अंधकार ही नज़र आता है। तो लोगों को क्या लगता था, तमाल का वृक्ष घर के आगे खड़ा था उनके, तो वहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, तो गाड़ियाँ क्या थी, सारी की सारी उसके पत्तों से टपकने वाले एक अद्भुत जो रस सा होता है उस पत्ते से निकलता है, वो उनकी गाड़ियों पे लग जाया करता था, उनकी गाड़ियाँ पत्तों से भर जाती थी, तो लोग उस वृक्ष को पसंद नहीं करते। तो लेखक को यह बात बड़ी ही बुरी लगती थी। उसने तमाल के वृक्ष की जो आपत्ति उपेक्षा हो रही थी उसकी आपत्ति को स्पष्ट करते हुए इस वृक्ष की विशेषताओं के बारे में भी बताया कि जो तमाल का वृक्ष है वो बसंत ऋतु में तो झड़ जाता है, नहीं तो अन्य पौधे क्या होते हैं, पतझड़ में झड़ के बसंत ऋतु में पुनः खिल जाते हैं, नए नए फूल पत्तियां उन पर आ जाती है, लेकिन जो तमाल का वृक्ष है उसकी क्या विशेषता है कि वह बसंत ऋतु में पूरा झड़ जाता है और फिर बसंत ऋतु के जाते ही पुनः फूलों से पत्तियों से लद जाता है। राधा के उज्ज्वल प्रेम को इसने शीतल छाया दी है, पत्तों का इसका आकर्षण इतना सुंदर है, कैसे कि इतने घने पत्ते होते हैं इसके कि वो एक छत्र का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि कोई छत्र धारण किया हुआ इस वृक्ष ने, ऐसा लगता है। और इसी वृक्ष की छाया के अंदर राधा श्यामा हो जाती है, और श्याम क्या है, राधामय हो जाती है, फिर भी इस वृक्ष की इतनी उपेक्षा, तो इस पर इन्होंने आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि कालिंदी नदी के किनारे यह बड़ा ही विशाल वृक्ष हुआ करता था। गीत गोविंद में हम कृष्ण राधा की लीलाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके अंदर भी इस वृक्ष की महत्ता को बताया गया है कि कृष्ण और राधा क्या है, इस वृक्ष की शीतल छाया के नीचे बैठा करते थे, लीलाएं किया करते थे, कृष्ण बंसी बजाया करते थे। तो राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम का प्रतीक है, उस प्रेम को इसने अपनी शीतल छाया प्रदान की है। इसी वृक्ष की छाया के नीचे क्या है, श्याम राधामय हो जाते थे और राधा क्या है, श्याममयी हो जाया करती थी, फिर भी इस वृक्ष की इतनी उपेक्षा हो रही है, यह लेखक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए इस निबंध के माध्यम से वह तमाल के वृक्ष को जो सदियों से उपेक्षा सहता आया है उसे सम्मान दिलाने का प्रयास इसने किया है। अगला तीसरा पॉइंट देखिए, तमाल के वृक्ष को लेकर भ्रम।
इतना विशाल यह वृक्ष है तमाल का वृक्ष। इस वृक्ष को लेकर के लोगों में बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई थी, उनसे भी मुक्ति दिलाना इस निबंध का उद्देश्य रहा है। कई लोग कहते हैं कि तंबाकू का जो पेड़ होता है वही तमाल का वृक्ष है, कोई इसे ताड़ का वृक्ष कहता है, कोई इसे काला वृक्ष कहता है, इस तरह कह के इसकी उपेक्षा करता है। तो लेखक ने इस भ्रम को भी दूर किया है और कहा है कि यह कालिंदी नदी के किनारे जहाँ कृष्ण और राधा लीलाएँ किया करते थे उनके उज्ज्वल प्रेम का प्रतीक है यह वृक्ष, ना कि काली छाया है, ना कि ताड़ का वृक्ष। अगला देखिए पॉइंट, लेखक का अकेलापन और तमाल। लेखक के घर के बाहर बड़ा सा तमाल का वृक्ष है, उस वृक्ष को लेकर के देख करके लेखक जो है अपने अकेलेपन को महसूस किया करता था। जैसे वह उपेक्षित सा अन्य वृक्षों की भांति उसे सम्मान प्राप्त नहीं है, अकेलेपन का शिकार है, उदास सा खड़ा रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, शीतल छाया देता है, फिर भी उसकी उपेक्षा हो रही है। तो उसी को देख करके लेखक को भी अपने अकेलेपन की याद आ जाती है, अपने अकेलेपन को वह महसूस करता है और अपनी एक दीदी के बारे में याद करता है उस वृक्ष को देखकर, कि उसकी एक दीदी होया करती थी जिसकी प्रेम की छाया उसको तमाल के उस वृक्ष की छाया के समान प्रतीत होती थी, लेकिन वह भी क्या है कुदरत ने उसे छीन ली, क्योंकि वह बीमार हो जाती है और बीमारी से में ही क्या है इस दुनिया से चली जाती है, विदा हो जाती है। तो लेखक कहता है कि जीवन में न जाने ऐसे कितने ही आत्मीयता के रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से उसके जीवन में वह दीदी तमाल के वृक्ष की शीतल छाया से आई थी और फिर चले गए। तो उसको देख करके उसे अपनी दीदी की याद आ जाया करती थी और वह अकेलेपन को महसूस किया करता था। अब यह तमाल की विशेषता, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने तमाल की विशेषताएं भी बताई है। कुछ तो विशेषताएं इसी में हमें स्पष्ट हो रही है कि वसंत ऋतु में झड़ जाता है और पुनः खिल जाता है, राधा और कृष्ण के उज्ज्वल प्रेम की को इसने शीतलता प्रदान की थी। इसका जो पत्ते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके पत्ते इतने घने होते हैं ना कि इस तरह लगते हैं जैसे कि कोई छत्र धारण किया, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। राधा श्याम में और श्याम राधा में जाता है इसकी शीतल छाया के नजदीक आकर के। तो यह तमाल के वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस ललित निबंध के अंदर लेखक ने तमाल के वृक्ष के माध्यम से अपनी मनस्थिति बताई है, अपने अकेलेपन को व्यक्त किया है, तमाल के वृक्ष की जो उपेक्षा हो रही है उसको इसमें दर्शाया है।